अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलते रहे और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद हार्ट में। आज हम बना रहे हैं मटन दलिया। मटन दलिया बहुत टेस्टी बनता है और ये बहुत हेल्थी रहता है। मटन दलिया बनाने के लिए ये मैंने 100 ग्राम दालें ली हैं। ये 4-5 तरह की दालों को हमने मिक्स करके ले लिया है। यहाँ पे देखिए, ये हमने मटन लिया है। मटन यहाँ पहले से पका हुआ है। मटन कोरमा है, थुली है। ये थुली भी हमने 250 ग्राम ली है। ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल रहती है। ये मैंने छोटा प्याज लिया है। छोटे प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। देखिए, बिल्कुल बारीक चॉप करा है मैंने। उसके बाद ये नमक लिया है हमने, वैसे ये आधा छोटा चम्मच नमक लिया है। और ये 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 10-12 हमने हरी मिर्ची ली है, उनके डंठन तोड़ के हमने यहाँ साफ़ करके रखा है। एक छोटा टमाटर हमने लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। और ये पानी दलिया बनाने के काम आएगा। आइए हम बनाना शुरू करते हैं मटन दलिया। मटन दलिया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे। कुकर में हम ये पानी डालेंगे। देखिए, हमने इसमें पानी डाला है। अब जो हमने दालें ली थी उसको धो के साफ़ करके हम इस पानी में डाल देंगे। देखिए, मैंने दालों को अच्छी तरह से पानी 2-3 पानी से धो लिया है। ये 4-5 तरह की दालें हैं। इसमें मूंग, मसूर, चना और काली मसूर, हमने इस तरह की 4-5 दालें ली हैं। ये पानी हम और यहाँ पे ये डाल देंगे थोड़ा सा। ये हल्दी पाउडर डालेंगे। जो टमाटर डालेंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखा था। उसके बाद जो हरी मिर्ची हमने साफ़ करके रखी थी वो हरी मिर्ची डाल देंगे। उसके बाद ये नमक डाल देंगे। हमने यहाँ पे नमक आधा यूज़ करा है क्योंकि हमारी दाल कम है। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसको गैस पे रख देंगे, गैस ऑन कर देंगे। होगी 2 सीटी बाद हमने गैस बंद कर दी थी। अब कुकर को खोल के देखते हैं। देखिए, इसका प्रेशर भी पूरा निकल चुका है। देखिए, अब हम गैस कुकर खोल के देखते हैं कि दाल हमारी परफेक्टली गल चुकी है। देखिए, हमें को इतनी थिकनेस चाहिए थी इसलिए हमने इसमें पानी कम लिया था। आप भी ऐसे ही बनाएं। आइए हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते। उसके लिए हम एक भगोना लेंगे, गैस ऑन कर देंगे। तब तक ये हमारा भगोना गर्म होता है, तब तक हम वेट करते हैं। तेल यहाँ, ये हमारा भगोना गर्म हो चुका है। हम तेल यहाँ पे कम यूज़ करेंगे क्योंकि हम मटन दलिया बना रहे हैं, तो इसलिए मटन में पहले से ही सारे मसाले और ऑयल है उसमें। ये तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटा जो प्याज रखा था वो डालेंगे। गैस सिम पे कर देंगे। हम इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बहुत लाइट रहने देंगे ताकि हम इसमें जो दलिया डालेंगे थुली, तो वो उसके साथ जो भुनाएगा तो ये प्याज अपनी ब्राउन हो जाएगी। देखिए, हमारी प्याज बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुई है। उसके ब्राउन नहीं होने पर ही हमने इसमें थुली डाल दी है। अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक ऐसे ही सिम गैस पे सेकेंगे। अगर अपन को जल्दी, आपको अगर जल्दी बनाना है दलिया, तो आप इसको फुल गैस पे भी सेक सकती हैं, लेकिन लगातार चलाते रहें ताकि ये तले में लगे नहीं। देखिए, ये अच्छे से सिक रही हैगी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब ये सिक चुकी है। देखिए कि वो हम दाल इसमें डाल देते हैं। अब पानी डाल देते हैं। इसी तरह हम हिलाते रहेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, जो हमने बचाया था थोड़ा सा नमक वो इसमें डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप इसको मटन दलिया नहीं बनाना चाहें तो ये सिर्फ दलिया, सादा दलिया है, ये वैसे भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। बस आप इसमें गलने के हिसाब का पानी डाल दें। लगभग आधा लीटर इसमें पानी डाला है हमने, और इसको गाढ़ा होने तक चलाते हुए पकाएं। मटन दलिया बना रहे हैं इसलिए जो हमारे यहाँ मटन है वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसको भी लगातार हिलाते हुए मिला देंगे सिम पे करके, और ढक्कन इसे पकने तक ढक्कन ढक के पकाएंगे। दलिया हमारा तैयार है।
फिर लगभग हमने इसको 5 मिनट तक पकाया है, आइए हम इसे चेक करते हैं। देखिए हमारा दलिया बिल्कुल बन के परफेक्टली तैयार है, आइए हम इसे सर्व करते हैं। ये हमारा दलिया बन के तैयार है, हम इसे पुदीने से गार्निश कर देते हैं। आप चाहें तो पकने में भी थोड़ा सा पुदीना इसमें डाल सकती हैं, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है और हेल्थी भी बहुत रहता है। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।